आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। ये यहाँ कैसे आया? अरे तो ये यही रहेगा ना अभी, मतलब ये हमारा घर है नवंद कंचारी का, वंशी का, और ये हमारी चीजें तो यहीं पर रहेगी ना, और कहाँ रहेगी? ये हमने बनाया था, ये तुम्हारे पास क्या कर रहा है? चोरी किया ना? हाँ चोरी किया तुमने। अरे मिसेस जी एक मिनट यार, तुम तो एकदम चढ़ ही जा रही हो। अरे हम कह रहे हैं कि आपने हमारे लिए बनाया है, और यार हम चोरी क्यों करेंगे बताइए आप? एक बात बताओ, तुमने ही बनाया है ये, तुमको याद है, लेकिन किसके लिए बनाया तुमको ये याद नहीं है? क्योंकि इस पे चुड़ैल का निशान बना हुआ है इसलिए। लेकिन ये हमने आपके लिए बनाया है, ये हम कैसे मान ले बताइए? अरे तुम यार मिसेस एक बात बताओ, इस घर में हमारे सिवा और कौन है रीवा वंशी बताओ? हमारी सावी, वो भी तो रीवा वंशी है ना। अरे तुम्हारी सावी की शायद ये हमने उसी के लिए बनाया होगा। तुमने चोरी कर ली। यार हम क्यों चोरी करेंगे यार, तुम हमारी बात क्यों नहीं समझ रही हो यार? तुमको हम बोल बोल के थक गए, तुम हमारे लिए बनाई हो। तुम झूठ बोल रहे हो यार। एक बात बताओ, हम तुमसे झूठ क्यों बोलेंगे? क्योंकि तुम साबी से जलते हो, जलते हो, जलते हो। देखिए ऐसा है ना, ये तीन के बदले चार बार भी आप बोलेंगे ना तो भी हम यही कहेंगे। और रही बात जेलस की, तो हम जेलस फील कर सकते हैं लेकिन झूठ नहीं बोल सकते। अच्छा तो अभी पता चल जाएगा। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम क्या कर रही हो? ये नीचे करो यार मिसेज जी इसको। अरे मिसेज जी कह रहे हैं हम नीचे करो, अगर गलती से चल गया हम मर मरा जाएंगे, और हम अगर मर गए ना तो तुम बीडो हो जाओगी बे। बीडो? अरे विधवा हो जाओगी, विधवा। अब फिर जो रंगीन कपड़ा पहन के ही करती हो ना, कहाँ कब नहीं मिल पाएगा ये कपड़ा पहनने का, जो जेवर एवर सब पहन के घूम रही है, कहाँ किसके लिए पहनोगी? अरे नीचे करो ना यार इसको। और देखो देखो मिसेस जी, हम तुमको कह दे रहे हैं, हमको तुम बिल्कुल भी व्हाइट ड्रेस में ना अच्छी नहीं लगती हो, तुम पे सूट नहीं करता यार, इसको नीचे करो ना यार। फिक्र मत करो, अगर ये हमने तुम्हारे लिए बनाया है तो तुम इससे नहीं मरोगे। अरे कोई चाय थोड़ी ना बनाया कि गरम गरम चाय लाके गिरा दोगी, थोड़ा सा हम जल जाएंगे उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये तीर है, अगर गलती से चल गया तो मैं टैब हो जाऊंगा। हमारी बात मानो, इसको नीचे करो जल्दी से। चुप। कहाँ है हमारे गहने? तुमने कहा था इस घर में हमारे गहने हैं, अगर नहीं हुआ ना तो तुम्हें कच कच करके चबा जाएंगे। किसको धमकी देती हो? कच 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 करके चबा जाऊंगी? बात बात कच कच। जल्दी बताओ हमारे गहने किधर है? किसके हैं गहने? तुम्हारे हैं ना। अब अगर तुम्हारे कमरे में ही होंगे ना, जाके देखो ना उसके अंदर। अरे पर हमें क्या पता हमारा कमरा किधर है, हमें तो ये घर भी अपना सा नहीं लग रहा है। जल्दी बताओ हमारे गहने किधर है, हमें अपनी सजनी के लिए सजना है। किसके लिए? सजनी। अबे हम हैं तुम्हारे साजन, तुम हो हमारी सजनी। बिल्कुल भी नहीं, वो साबी है ना, वो हमारी सजनी है। बताओ हमारे कहने किधर है? पर कहाँ पत्थर पे जाके अपना सर मारे। क्या कहा? हाँ कुछ नहीं। वो दरवाजा देख रही? हाँ बस वही तुम्हारा कमरा है, उसी कमरे में तुमने अपने गहने रखे हैं। जाओ इत्मीनान से ढूंढो, मिल जाए पहनो, खाओ, जो करना है वो करो। अब जाओ, मुंह का देख रही हो? पंडित बुलाऊं, मुहूर्त निकलवाऊं तुम्हारे लिए? इतने सुंदर सुंदर गहने, ये सब दिलरुबा के गहने, कितने सारे गहने, ये भी पहनोगी, ये भी पहनोगी। सजना है हमें सजनी के लिए। कौन सा पहने, कौन सा पहने? अरे रे 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 मिसेज जी, बस बस बस, नहीं तो हार्ट फेल हो जाएगा तुम्हारा। सब पहन लो ये सुंदर गहने, दिलरुबा के गहने, सारे दिलरुबा के गहने। कैसे लग रहे हो? बहुत 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 खूबसूरत। साविया में देखेगी तो हैरान हो जाएगी ना? हैरान नहीं होगी, फिचकुर फेंक के बेहोश हो जाएगी। और पहन लेते हैं फिर। हाँ।
और पहन ले, पहन लो पहन लो पहन लो और पहन लो, और देखो कहीं टोकरी ओकरी टाइप है सर पे तो वो भी पहन लो जाकर। ये यहाँ कैसे आया? अरे तो ये यही रहेगा ना अभी, मतलब ये हमारा घर है नवंद कंचारी का वंशी का, पर ये हमारी चीजें तो यहीं पर रहेगी ना, और कहाँ रहेगी? ये हमने बनाया था, ये तुम्हारे पास क्या कर रहा है? चोरी किया ना? हाँ चोरी किया तुमने। अरे मिसेस जी एक मिनट यार, तुम तो एकदम चढ़ी जा रही हो। अरे हम कह रहे हैं कि आपने हमारे लिए बनाया है, पर यार हम चोरी क्यों करेंगे बताइए आप? एक बात बताओ, तुमने ही बनाया है ये तुमको याद है, लेकिन किसके लिए बनाया तुमको ये याद नहीं है? क्योंकि इस पे चुड़ैल का निशान बना हुआ है इसलिए। लेकिन ये हमने आपके लिए बनाया है, ये हम कैसे मान ले बताइए? अरे तुम यार मिसेस एक बात बताओ, इस घर में हमारे सिवा और कौन है रीवावंशी बताओ? हमारी सावी, वो भी तो रीवावंशी है ना। अरे तुम्हारी सावी की शायद ये हमने उसी के लिए बनाया होगा। तुमने चोरी कर ली। यार हम क्यों चोरी करेंगे यार, तुम हमारी बात क्यों नहीं समझ रही हो यार? तुमको हम बोल बोल के थक गए हैं, तुम हमारे लिए बनाई हो। तुम झूठ बोल रहे हो यार। एक बात बताओ, हम तुमसे झूठ क्यों बोलेंगे? क्योंकि तुम साबी से जलते हो, जलते हो, जलते हो। देखिए ऐसा है ना, ये तीन के बदले चार बार भी आप बोलेंगे ना तो भी हम यही कहेंगे। और रही बात जेलस की, तो हम जेलस फील कर सकते हैं लेकिन झूठ नहीं बोल सकते। अच्छा तो अभी पता चल जाएगा। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम क्या कर रही हो? ये नीचे करो यार मिसेज जी इसको। अरे मिसेज जी कह रहे हैं हम नीचे करो, अगर गलती से चल गया हम मर मरा जाएंगे, और हम अगर मर गए ना तो तुम विडो हो जाओगी बे। विडो? अरे विधवा हो जाओगी विधवा। अब फिर जो रंगीन कपड़ा पहन के ही करती हो ना, कहाँ नहीं मिल पाएगा ये कपड़ा पहनने का, जो जेवर एवर सब पहन के घूम रही है, कहाँ किसके लिए पहनोगी? अरे नीचे करो ना यार इसको। और देखो देखो मिसेस जी, हम तुमको कह दे रहे हैं हमको तुम बिल्कुल भी व्हाइट ड्रेस में ना अच्छी नहीं लगती हो, तुम पे सूट नहीं करता यार, इसको नीचे करो ना यार। फिकर मत करो, अगर ये हमने तुम्हारे लिए बनाया है तो तुम इससे नहीं मरोगे। अरे कोई चाय थोड़ी ना बनाया कि गरम गरम चाय लाके गिरा दोगी, थोड़ा सा हम जल जाएंगे उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये तीर है, अगर गलती से चल गया तो मैं टैब हो जाऊंगा। हमारी बात मानो, इसको नीचे करो जल्दी से। चुप। अगर ये हमने तुम्हारे लिए बनाया था तो हमने इस तरह से बनाया होगा कि ये तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ऐसा पॉसिबल है क्या? हाँ, और तुम्हारे दावे में कितनी सच्चाई है ये हमें तभी पता चलेगा जब हम इससे तुम पर वार करेंगे। अगर तुम बच गए तो तुम सच बोल रहे हो, और अगर मर गए तो खत्म। ऐसा भी तो हो सकता है, जैसे तुम्हारी याददाश्त बह गई है, इसकी भी याददाश्त अगर बह गई और ये आके हमको लग गया तो फिर तो हम तो खामखा में खर्च हो जाएंगे ना यार मिसेज जी, इसको थोड़ा नीचे करो ना, डर लग रहा है यार। हमको कुछ हो गया तो हमारी अम्मा का कौन ध्यान रखेगा यार? अरे हम कह रहे हैं ना, अगर ये हथियार हमने तुम्हारे लिए बनाया था तो ये तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। पक्का नहीं पहुंचाएगा? हाँ, लेकिन कोई तो एक रूल था जो हम भूल गए। पर तुम्हें रूल नहीं याद है तो फिर हमारा क्या होगा? लेकिन तुम तो रीवावंशी हो ना, तुम्हें मौत से डरने की क्या जरूरत है? सही कह रही हो तुम, हम एक रीवावंशी हैं और हमें मौत से नहीं डरना चाहिए। इसे भी ऐसी जिंदगी का करेंगे क्या? क्या करेंगे बताओ? लानत है ऐसी जिंदगी पे जिसकी बीवी ही उसको नहीं पहचान रही है, जिसके लिए वो 6 साल तक देवदास बन के घूम रहा था, और वो जब उसकी वाइफ होश में आती है तो कहती है हम आपके हैं कौन? लेकिन ये फिल्में तो ऋतिक रोशन की नहीं है। अरे तुम्हारे ऋतिक रोशन को वर्णी में डाल करके हम समुन्द्र में तबाह कर देंगे, सच बता रहे? रुको, कोई ऐसा कहता है क्या? इससे बेहतर तो मौत ही सही। आज एक आशिक माशूक के हाथ से मरने के लिए तैयार है। हाँ, पर ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? कम से कम मोहब्बत के पन्नों में नमन दकंचा रीवावंशी का नाम अमर तो हो जाएगा। चलाओ चलाओ तीर, आज चलाओ, ये आशिक मरने के लिए तैयार है, चलाओ। बोल लिया, चलाए अभी। अच्छा चलाओ। चला दिया। अबे अबे हम बच गए।
देखो मिसी जी, हम बोल नहीं रहे थे, तुमने हमारे लिए बनाया है, तुमको हमारी बात पे यकीन ही नहीं हो रहा था। देखो रुक गया ना तीर, देखो हमको नहीं लगा। तुम्हें याद है शादी के बाद तुम हमको एक बार डिनर पे लेके गई थी, जहाँ तुमने सबसे पहली बार बताया था कि तुम चुड़ैल हो, वही तो तुमने ये हमको दिया था। तुमने कहा था कि हमने तुम्हारे हाथ, मतलब तुमने हमारे लिए अपने हाथों से ये बनाया है, ये हमारा गिफ्ट है, पहला गिफ्ट शादी के बाद। तो इसका मतलब आप सच में हमारे पति है? हाँ हाँ। तुमसे हमारी शादी हुई थी? हाँ हाँ। यस, ये बात पता चलने के बाद निराशा होगी, लेकिन क्या करें, हम तुम्हारे हस्बैंड, तुम हमारी वाइफ हो, यही तो हम कहना चाह रहे हैं बहुत देर से। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.